दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, कुछ लोगों की लेडीज़ की ग्रुप आपके घर पर आके आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं और वो लोग बताते हैं वो लोग डायरेक्ट कंपनी से आए हैं और उसी के साथ आपके फ़ोन से किसी नंबर पे कॉल करवाते हैं और एक आपके पास मैसेज आता है उसमें कुछ कोड वगैरह लिखे होते हैं और वो लोग जो कोड होता है ना वो कोड वो लोग लिख लेते हैं। तो ये जो अभी चल रहा है ना, तो ये मार्केट में क्या कोई नया स्कैम आया है या फिर ये जेन्युइन है? तो आज की इस वाली वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अगर आप लोग इस कोड को शेयर करते हैं तो क्या आपका जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो सकता है, आपकी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो लीक हो सकते हैं, यानी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग के साथ बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मैं हूँ पायल, आप लोग दिख रहे हैं पायल टेक। तो चलिए आज की ये वाले वीडियो विदाउट टाइम इसके स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये सच असल में वही बता सकता है जिसके साथ ये हुआ है, मेरे साथ भी ये हुआ है। मैं आपको पूरा जो स्टोरी है पहले से आपको बताती हूँ। हमारे घर पर भी 3-4 लोगों की टीम आई हुई थी एंड वो लोग भी बता रहे थे वो लोग कंपनी से आए हैं एंड वो लोग आपको एक प्रोडक्ट दिखाएंगे एंड उनके जो बैग होते हैं ना, बैग हैट, उन पर कंपनी का नाम लिखा होता है जिस भी कंपनी से वो लोग आए हैं। तो दोस्तों, वो लोग आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं उनके पास क्या प्रोडक्ट है और उसका जो MRP रहता है मार्केट में, आप जितने भी उसको खरीदते हैं उससे 5-10 रुपये कम में आपको वो लोग सेल करते हैं। बस उनकी कंडीशन एक ही रहती है, बस आपको आपका जो नंबर है उस नंबर से एक टोल फ्री नंबर पे कॉन्टैक्ट करना होगा, मतलब कॉल करना होगा। कुछ सेकेंड कॉल करने के बाद वो कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा एंड दोस्तों उसी के साथ यहाँ पर आपके फ़ोन में एक कोड आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा, वो मैसेज उनको दिखाना है एंड उसमें से एक कोड होगा, यूनिक कोड होगा, उस कोड को वो लोग नोट कर देंगे एंड साथ ही प्रोडक्ट के साथ आपकी फ़ोटो खींच लिया जाएगा। तो ये सारा जो चीज़ है, क्या ये जेन्युइन है, क्या इससे हमें डरने की ज़रूरत है या फिर ये स्कैम है? मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, तो फर्स्ट टाइम जब हुआ था मुझे अपने मोबाइल नंबर की बदले में 2 प्रोडक्ट मिले थे और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट पहले दिखा देता हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट को बाय किया था तो ये 20 रुपये का जो भीम जेल, देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है, तो ये 20 रुपये का जो प्रोडक्ट है ये मुझे 15 रुपये में मिल गया था 2। और लास्ट बोलो कुछ दिन पहले आए थे, 6-7 दिन पहले आए थे, तो इस बार उनका जो स्कीम है वो चेंज हो गया है और इस बार मैंने ख़रीदा है 2 भीम जेल और दोनों ही 20 रुपये करके मार्केट में आपको मिल जाते हैं, लेकिन उनसे मैंने ख़रीदा था ये 15 रुपये में, मुझे 2 मिल गया। लेकिन मैंने बताया ना, उसका जो प्रोसेसर थोड़ा चेंज हो गया, अभी एक नंबर पे एक ही मिलेगा और उसी के साथ यहाँ पर उनके पास एक सैम्पल प्रोडक्ट रहता है जिसमें सारी चीज़ें, मतलब कोड वगैरह सब कुछ लिखी होती है। तो वो लोग उनके पास जो प्रोडक्ट है सैम्पल, उसका फ़ोटो क्लिक करते हैं, आपके साथ प्रोडक्ट के हाथ में लेते हुए एक फ़ोटो क्लिक करेंगे और आपके फ़ोन से कॉल करेंगे और आपके फ़ोन में जो यूनिक कोड आएगा या फिर मैसेज आएगा उसमें से जो कोड होगा वो लोग लिख लेंगे, नोट कर लेंगे एंड चले जाएंगे। सो दोस्तों, मैं आपको सीरियसली बता देती हूँ, ये जो प्रोसेस है ये कोई भी स्कैम नहीं है, आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो दोस्तों मैंने जब इंटरनेट पे इसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च किया तो 50% लोग सही बोल रहे थे, 50% लोग गलत बोल रहे थे, तो थोड़ा कन्फ्यूज था इसलिए मैंने ट्वीट कर दिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपने मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को मेंशन किया था एंड उनसे डायरेक्ट मैंने DM पे बात किया था। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये लास्ट रिप्लाई था, तो यहाँ से मैंने बात करना स्टार्ट किया था, सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन किया था और उनका भी रिप्लाई मुझे आ गया था एंड जैसा कि देख सकते हैं आप, चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। उसके बाद मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर को यहाँ पर शेयर किया था एंड उसके बाद ये सारी बातें हुई थी, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले इस नंबर से मुझे कॉल आया था और मैंने जो बातें करी तो चलिए आपके साथ सुना देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। जी, मैंने वहाँ पर ट्विटर से कॉन्टैक्ट किया था। जी, तो जैसे कि मैम, हाँ जी बताइए। हाँ जी, मैंने जो एक्सप्लेन किया, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि मतलब वो जो लोग थे वो क्या रियल आपके कंपनी के ही लोग थे या फिर? जी मैम, बिल्कुल। जैसे आपने जो ट्विटर पे जो टोल फ्री नंबर मेंशन किया गया था 1800120170170, ये हमारा ही टोल फ्री नंबर है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का ही। और मैम बेसिकली क्या होता है कि ये एक होम टू होम एक्टिविटी चल रहा है जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के जितने प्रोडक्ट्स है वो हम प्रमोट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के थ्रू। अच्छा, तो जी ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है मैम ये, लाइक जेन्युइन ही है। तो आप इसमें लाइक जैसे आपने मेंशन किया है कि वो मिस कॉल दिए, उसके बाद 8 डिजिट का कोड आया है और वो सर्वे का प्रोसेस जो है कंप्लीट हुआ है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस मैम, लाइक ये होता है।
जो आए थे आपको सर्वे के लिए, तो हाँ उन्होंने कुछ ब्रांड का प्रमोट किया था हाँ मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट बारे मुझे में। थोड़े डिस्काउंट पे बेचा था। ओके, कौन से प्रोडक्ट थे वो? भीम जेल जो होता है ना 20 रुपीज का, तो वो मुझे 15 रुपए जी। में दिया था। ओके ओके विम जेल। ओके ठीक है मैम। तो ये बेसिकली मैम ये होम टू होम एक्टिविटी है, और जो जो टोल फ्री नंबर जो आपने मेंशन किया ना वो हाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही है मैम, टोल फ्री नंबर। ठीक है सर। मुझे एक्चुअली मैंने इंटरनेट पे जब देखा ना तो कुछ लोग बोल रहे थे स्कैम है, तो पूरा 50-50 था कि 50% लोग बोल रहे थे हाँ ये ठीक है, 50% लोग गलत समझ रहे थे, तो इसलिए मैं कंफर्म करने के लिए मैसेज कर दिया था। ओके मैम, ये बेसिकली स्कैम नहीं है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ से ही एक्टिविटी चल रहा है, तो मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर से ही बात कर रहा हूँ। तो लाइक जो नंबर आपने मेंशन किया गया था हाँ वो आप हमें डीएम पे उसका इमेज और ओटीपी के इमेज भेज सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है। आप भेज सकोगे तो हम हमारे टीम को शेयर करेंगे कि ये वो मैंने इंसिडेंट वहां पर हुआ था। शेयर किया था, वो ट्विटर पे ही शेयर कर दिया था, ओके इमेज के साथ सारे मोबाइल नंबर एंड टेक्स्ट वगैरह सब कुछ वहां पर ही शेयर कर दिया था। ओके ओके मैम, जो ओटीपी आया था वो भी शेयर किया था आपने ना? हाँ जी हाँ जी ओटीपी नहीं, वो यूनिक कोड या फिर ऐसा कुछ था शायद। यस मैम, एक्चुअली वो ओटीपी है। ओके मैम, और आप मुझे और एक फेवर कर सकते हो, जो टोल फ्री नंबर आप डायल किए गए थे ना हाँ हाँ वो भी आप भेज दीजिएगा, ताकि वो पॉसिबल हो, ताकि दोनों अटैच करके हम हमारे टीम तक पहुंचा सके। और आप, ये कब हुआ था इंसिडेंट मैम, लाइक ये आज हुआ ये था? आज पहले तो 1 हफ्ते पहले हुआ था, उससे भी ज्यादा शायद 9-8 मंथ पहले एक बार हुआ था। ओके तो ये अभी जो हुआ है ये इंसिडेंट ये रिसेंटली हुआ है, हाँ 1 हफ्ते ये पहले विम हुआ जेल था। का 1 वीक बैक हुआ था। हाँ ओके और ये कौन से लोकेशन पे हुआ था मैम? ये मैम इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं और कोई सहायता कर सकता हूँ इसके अलावा? नहीं, मुझे बस इतना ही जानना था। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, नॉलेज वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन है प्रेस करके ऑल कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो एंड लाइक कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा है, वैल्यूबल लगा है, तो आप लोग हमें सुपर थैंक्स सेंड करके हमारी कंटेंट क्रिएशन में हेल्प कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ अगर आपको कुछ भी दिक्कत हुई तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम हुई है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर अपनी कुछ पर्सनल रील फोटोज़ वीडियोज़ डालती रहती हूँ, और साथ ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करते हो, मतलब रील अपलोड करते हो जो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एंड आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम करके आपकी जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। और दोस्तों आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सो गाइस ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।